नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीके गुरुजी में। आज के अपने इस वीडियो में हम एक मैथ का प्रश्न डिस्कस करेंगे। तो प्रश्न क्या है, सबसे पहले हम उसकी बात कर लेते हैं। तो प्रश्न है, क्वेश्चन मार्क गुड़े 350 परसेंटेज भागे 50 गुड़े 248 बराबर 591। इसको हमको सरलीकरण के माध्यम से सॉल्व करना है। तो जहाँ पर क्वेश्चन मार्क है हम वहाँ पर एक्स मान लेते हैं, गुड़े फिर लिखा है 350, तो 350 लिख लिया। परसेंटेज का निशान लगा है तो भागे हो जाएगा 100, और भागे 50 भी दिया है तो नीचे हमने 50 और कर लिया, प्लस 248 बराबर 591। ठीक है, हमने पहली लाइन में सॉल्व कर लिया। अब क्या करेंगे, तो 248 है वो इस साइड चला जाएगा और यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा। कैसे, जीरो से जीरो कट जाएगा, 5 से काटेंगे, 5 × 7 = 35, तो x गुड़े 7/100 तो यहाँ से बचेगा और यहाँ हो जाएगा 591 माइनस के 248। ठीक है, तो x गुड़े 7/100 तो ये ज्यों का त्यों रहेगा बराबर। अब 591 में से हम 248 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो 11 में से 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 3। यहाँ 9 में से 5 जाएंगे तो क्या बचेंगे, 4, और यहाँ 5 में से 2 जाएंगे तो क्या बचेगा, 3। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो 343 तो ज्यों का त्यों, नीचे का 100 कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर, और ऊपर का 7 कहाँ आ जाएगा, नीचे। 7 से काटेंगे, 7 × 28, ठीक है, 7 × 28 बचेगा और शेष क्या बचेगा, 6, तो 7 × 9 = 63, तो x बराबर क्या हो गया, 49 × 100, यानी x बराबर क्या निकला के आएगा, 49। ठीक है, तो इस प्रश्न में x की वैल्यू कितनी निकल आई, यानी कि जहाँ पर क्वेश्चन मार्क था वहाँ पर क्या रखना पड़ेगा, वहाँ पर रखना पड़ेगा 4900, यानी कि 49। और ऐसे ही नॉलेज बढ़ाने वाले वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल पीके गुरुजी के साथ। नमस्कार।